रिलायंस का जो माई जियो ऐप है उसमें एक नया टूल आ गया है जिससे ये आपके सिम्टम्स को चेक कर पाएगा एंड आपको एक एटलीस्ट एक एस्टिमेट दे पाएगा कि आपको क्या चिंतित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. क्या ये नया टूल है और कैसे ये आपके सिम्टम्स को चेक कर रहा है, कितना ये एक्यूरेट हो सकता है, सब कुछ आपको बता रहे हैं इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करके. बट उससे पहले प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करो, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो एंड लाइक अस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. अभी अभी करो उसको एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. तो आप अपने फ़ोन में सबसे पहले माई जियो के ऐप पे जाएंगे और माई जियो का ऐप जो है आपको बेसिकली अपने फ़ोन में चाहिए. अच्छा, इसको यूज़ करने के लिए ना आपको जियो का नंबर रखना ज़रूरी नहीं है, यू कैन जस्ट यूज़ दी ऐप. आप ऐप डाउनलोड करो और डाउनलोड करते ही आपके पास ये जो है कोरोना हारेगा इंडिया जीतेगा इस नाम का ये पूरा का पूरा जो एक ऐड है वो आ जाएगा. उसके बाद आपने जाना है टॉप लेफ्ट पे, टॉप लेफ्ट पे जो ये थ्री लाइंस हैं इस पे जाना है और आपके पास यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगा कोरोना वायरस इन्फो एंड टूल्स. कोरोना वायरस इन्फो एंड टूल्स इस पे जाके आपने ये बेसिकली जो टूल है इसका नाम ये है और इस पे आपने प्रेस करना. प्रेस करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, बी अवेयर बी प्रिपेयर्ड कोरोना वायरस डिजीज़, और इस पे सिम्टम चेकर आ जाएगा, टेस्ट सेंटर्स आ जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे, FAQ आ जाएंगे, हेल्पलाइंस आ जाएंगे. तो अभी हम चलते हैं सिम्टम चेकर पे. इसके बाद अब आपके पास ये सारे प्रोफाइल्स हैं फॉर योरसेल्फ, पेरेंट के लिए, अपने पति या पत्नी के लिए, बच्चे के लिए या किसी और के लिए. तो अभी हम अपने लिए ही करते हैं. फॉर योरसेल्फ, व्हाट इज़ योर जेंडर, ये पूछेगा, मेल, उम्र, उसके बाद आपकी कोई पहले की हेल्थ कंडीशंस क्या रही हैं वो आपको बतानी है. इनमें से अगर एक भी आपको इशू रहा है इससे पहले तो आप इसमें ज़रूर मेंशन करें. इनमें से किसी भी देश में आप पिछले 14 दिन में विजिट करके आए हैं, तो इनमें से हम तो किसी भी देश में नहीं गए हैं तो इसमें हम डाल देंगे कंट्री नॉट लिस्टेड, नन ऑफ दी अबव. इस पे ये पूछ रहा है कि आपके परिवार में क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई क्लोज कॉन्टैक्ट में आया है किसी के जो खांस रहा था या छींक रहा था पिछले 14 दिन के अंदर अंदर. तो ये अब आपको ऑब्वियसली चेक करके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होगी. मान लीजिए कोई आया था अगर, तो उसमें हम येस डाल देते हैं. तो ये पूछेगा क्या आप या आपके परिवार में कोई क्लोज कॉन्टैक्ट में आया है किसी के जो कन्फर्म्ड COVID-19 पेशेंट है, मतलब किसी को कन्फर्म्ड कोरोना वायरस, ये तो नहीं है, इसमें हम नो डालते हैं. आपको बुखार है, नो. आपको हेडेक है, नो. कॉफ है, कॉफ में येस डाल देते. डू यू हैव सोर थ्रोट, नो. फील शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये अब आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है. कोर्सनेस इन वॉइस, येस. तो ये अब बेसिकली ये सारे जो सिम्टम्स हमने डाले इसमें ही कह रहा है रिस्क ऑफ COVID-19 इज़ हाई रिस्क विदाउट सिम्टम्स, मतलब सिम्टम्स नहीं है बट इसमें जो आपका खतरा है वो अभी ज़्यादा है. अब इसकी रिकमेंडेशन क्या है कि आप घर में 14 दिन तक रहें और पब्लिक एक्टिविटीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें. ऑब्वियसली अब तो लॉकडाउन ही हो गया तो आप बाहर निकलने का मतलब नहीं है, बट फिलहाल ये इनका रिकमेंडेशन है. अब इसमें आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में भी जा सकते हैं, इनकी गाइडलाइंस को चेक कर सकते हैं और योर रिस्पॉन्सेज, आपको अपने अगर सारे जवाब देखने हैं तो आप ये यहाँ पे अपने सारे जवाब भी देख सकते हैं. इसमें आप कुछ स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखना चाहो तो वो आपके करंट स्टैटिस्टिक्स भी बताएगा. इंडिया में फिलहाल 562 केसेस आ गए हैं, ये आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहेगा और स्टेट वाइज भी बताएगा. आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, दिल्ली के 31 हैं और हेल्पलाइन में अगर चले जाओ तो इसमें आपके पास सारे नंबर्स आ रहे हैं. बेसिकली क्या है कि ये जो पूरा का पूरा टूल है इट विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेट यू आर, मतलब आप अगर गलत इन्फॉर्मेशन इसको फीड इन करोगे तो ये ऑब्वियसली आपको गलत ही एक उसका रिजल्ट देगा. सो यू हैव टू गिव इन राइट इन्फॉर्मेशन ताकि ये आपको बता सके कुछ हद तक. और इसके अलावा इसमें ऑब्वियसली आपके पास FAQs भी हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के जवाब हैं, इसमें हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हुए हैं. इट विल गाइड यू इन अ लॉट ऑफ वेज बट यू नीड टू बी ऑनेस्ट.